नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया, मुगल्स और अफगान्स। देखिए ये सेकेंड पार्ट है स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन नॉर्थ इंडिया। इससे पहले की भी हम बात कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग 1525 एडी से 1555 एडी की बात करेंगे मुगल्स और अफगान्स के कंटेक्स्ट में। सेंट्रल एशिया और बाबर, इसके बारे में, और इंडिया का कॉन्क्वेस्ट कैसे हुआ इसके बारे में, इन दो चीज़ों को भी अगर हम ढंग से यहाँ समझ लें तो बहुत कुछ समझ लेंगे। इसके बाद बैटल ऑफ पानीपत है। तो भाई अगर आप सेंट्रल एशिया की बात करो, वेस्ट एशिया की बात करो, तो आप देखोगे 15वीं शताब्दी के दौरान यहाँ पे काफ़ी चेंजेस हो रहे थे। जो पहले का माइटी मंगोल एम्पायर था वो काफ़ी हद तक टूट चुका था। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रूलर उठ के सामने आया जिसका नाम था तिमूर। तिमूर ने ईरान को और तुरान को यहाँ पे कंबाइन किया। अगर आप बात करें तिमूर की, तो लोअर वोल्गा से लेके इंदस तक, एशिया माइनर टर्की, ईरान, ट्रॉक्साक्सियाना, अफगानिस्तान, पंजाब का कुछ पार्ट, ये सब तिमूर के अंदर था। तो अगर तिमूर की बात की जाए तो अभी तो इसके और वेस्ट में आप चले जाओ तो ये पूरा का पूरा इलाका, ट्रांसऑक्सियाना पूरे के पूरे इलाके की बात कर लो, अफगानिस्तान का ज़्यादातर इलाका, पंजाब का एक बड़ा इलाका। अच्छा मैं बता दूँ, पंजाब, अगर आप ओवरऑल पंजाब के पहले के इलाके की बात करो तो उसमें पाकिस्तान वाला पंजाब और इंडिया वाला पंजाब दोनों आता है। तो कुल मिला के जो तिमूर का अम्पायर था वो लोअर वोल्गा, वोल्गा जो कि आज की डेट में रशिया में बहती है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर है, आप कह सकते हो बिल्कुल यूरोप के बाउंड्री के पास ही आती है, सेंट्रल रशिया से साउदर्न रशिया की तरफ बहती है और फाइनली जाके कैस्पियन सी में गिर जाती है। तो वोल्गा नदी की अगर आप बात करो, ये जो आपको अफगानिस्तान दिख रहा है ना, अफगानिस्तान से ऊपर जाओगे तजिकिस्तान, इससे और ऊपर चले जाओगे तो आएगा आपका कजाकिस्तान, कजाकिस्तान के और नॉर्थ में जाएंगे तो आपका रशिया आएगा। तो यूक्रेन और कजाकिस्तान के बीच में जो रशिया वाली टेरिटरी है वहां पे आप कह सकते हो फाइनली बहते 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 ये नदी जाके कहाँ पे गिर जाएगी, कैस्पियन सी में गिर जाएगी, समवेयर है। ये आपको यहाँ पे कैस्पियन सी नजर आ रहा है, तो कैस्पियन सी के नॉर्दर्न एंड पे जाके ये जो वोल्गा नदी है गिरती है। हालांकि इतना डिटेल में यहाँ पे जानने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ज्यादा ही मैप में घुसता हूँ। कुल मिला के जो तिमूर का अम्पायर था वो लोअर वोल्गा टू द रिवर्स इंदस तक फैला था। इसमें एशिया माइनर, प्रेजेंट डे जो टर्की का इलाका है, ईरान, ट्रांसऑक्सियाना, अफगानिस्तान और कुछ हद तक पंजाब भी इसके अंदर में आता है। अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं भी याद रहती चलेगा आपको। अब तिमूर की मृत्यु होगी 1405 में और उसके बाद गद्दी पर बैठेगा शाहरुख मिर्जा 1400, आप कह सकते हो 1448 तक, 1448 में इसकी डेथ होगी। ये काफी हद तक तिमूर द्वारा सेटअप करे गए एम्पायर को कंबाइन करके रख पाएगा। अच्छा एक और चीज, अभी तिमूर को मैंने बताया कि इसने ईरान और तुरान को कंबाइन किया, तो आप लोग एक बार को सोचोगे कि भाई ये तुरान वाले इलाके में क्या आता है। देखिए क्या लिखा हुआ है, तिमूर यूनाइटेड ईरान एंड तुरान। तो अगर आपको तुरान के इलाके में कन्फ्यूजन है तो मैं बता दूं कि भाई उज्बेकिस्तान, आज की डेट का जो उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, कुछ हद तक अफगानिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट और पाकिस्तान, ये आप कह सकते हो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का नॉर्दर्न पार्ट, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब आता है आपका तुरान में। तो ये तुरान का इलाका भी तिमूर के अंदर आ गया था, ईरान ऑलमोस्ट पूरा का पूरा तिमूर के अंदर आ गया था। तिमूर के अंदर और कौन कौन से इलाके आए ये भी बता दिया, 1405 में तिमूर की मृत्यु होगी, उसके बाद गद्दी पर बैठेगा शाहरुख खान, वो 1448 एडी तक राज करेगा। और ओवरऑल तिमूर ने जितना इलाका कब्जाया था उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से अपने राज को कंसोलिडेट करेगा शाहरुख मिर्जा। और शाहरुख मिर्जा भी आप कह सकते हैं कि ही गेव पैट्रोनेज टू आर्ट्स एंड लेटर्स एंड हिज टाइम समरकंद एंड हेरात बिकेम द कल्चरल सेंटर्स ऑफ वेस्ट एशिया। ये जो समरकंद और हेरात हैं ये अफगानिस्तान में जगहों के नाम है, हेरात आपका अफगानिस्तान में और समरकंद आपका उज्बेकिस्तान में। तो वेस्ट एशिया में समरकंद इन उज्बेकिस्तान एंड हेरात इन अफगानिस्तान, इट बिकेम इंपॉर्टेंट कल्चरल सेंटर्स। समरकंद का जो रूलर था उसको काफी हद तक एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड में माना जाता था, और वो था किसके अंदर, वो था आपका शाहरुख मिर्जा के अंदर। तो इनके सब रूलर्स भी थे ना भाई, शाहरुख मिर्जा बहुत बड़ा रूलर था, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे रूलर्स और भी थे। अब खास बात यहाँ पे ये थी कि एक तिमुरिद ट्रेडिशन था, तिमुरिद ट्रेडिशन में अंपायर को बांट दिया जाता था। तो सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, मतलब लगभग 1450 एडी के बाद, जो तिमुरिद डायनेस्टी की पावर थी वो बहुत तेजी से घटना शुरू होगी, क्योंकि तिमुरिद डायनेस्टी में एक ट्रेडिशन था पार्टनिशिंग द अंपायर। तो एक बाप है उसके कई सारे बेटे, तो वो बाप अपने बेटों के बीच में अंपायर को पार्टीशन कर देगा। तो इससे क्या होगा, बहुत सारे छोटे छोटे अंपायर सामने आने लगेंगे, और फिर ये छोटे छोटे अंपायर के रूलर्स की आपस में बनेंगे नहीं, वो आपस में एक दूसरे के साथ लड़ने लगेंगे तो लड़ाई हो जाएगी, ये अंदर से हो जाएंगे कमजोर। और उसके चलते आप देखोगे कि कुछ और लोगों को यहाँ पे मौका मिल जाएगा, और वो और लोग कौन होंगे,
तो नॉर्दर्न साइड से इस पर्टिकुलर तिमूर के एम्पायर में, जो बाद में शाहरुख मिर्जा ने कब्जा लिया था, इनको दो तरफ से अटैक आएगा। एक तो टर्को मंगोल ट्राइब्स उज़्बेक्स की तरफ से अटैक आएगा, जो कि ट्रांस ऑक्सियाना में घुसने की कोशिश करेंगे। ट्रांस ऑक्सियाना का इलाका नहीं पता है तो ये पड़ता है यहाँ पे ट्रांस ऑक्सियाना तजिकिस्तान में, कुछ हद तक अफगानिस्तान में। तो ये था आपका ट्रांस ऑक्सियाना। तो एक तरफ से घुसेंगे टर्को मंगोल ट्राइब्स उज़्बेक्स ट्रांस ऑक्सियाना के अंदर। ये जो उज़्बेक्स थे ये भी मुस्लिम्स बन गए थे, लेकिन ओवरऑल इन उज़्बेक्स को तिमुरिद्स पसंद नहीं करते थे। तिमुरिद्स भी मुस्लिम थे, उज़्बेक्स भी मुस्लिम थे, बट मुस्लिम मुस्लिम होना जब बात आती है पॉलिटिक्स की, जब बात आती है अंपायर की, तो कोई धर्म कोई जात कुछ मायने नहीं रखती, बस राज मायने रखता है। तो तिमुरिद्स भी आपके मुस्लिम थे, आपके उज़्बेक्स भी मुस्लिम थे, बट ओवरऑल यहाँ पे तिमुरिद्स उज़्बेक को कुछ समझते नहीं थे। उज़्बेक्स को अनकल्चर्ड बारबेरियन समझते थे, मतलब उज़्बेक्स को ऐसे लोगों की तरह समझा जाता था जिनके अंदर कोई कल्चर नहीं, आके एक दूसरे को मार देना, लड़ते रहना, इस प्रकार की चीज़ थी। अब यहाँ पे एक सफाविड डायनेस्टी भी आ रही थी। देखिए सफाविड डायनेस्टी के बारे में मैंने सतीश चंद्रा की पहले की वीडियोस में बहुत डिटेल में बात की है। सफाविड डायनेस्टी में पहली बार डिस्कस आपके साथ नहीं कर रहा हूँ। अभी जो प्रेजेंट डे ईरान का इलाका था, इस प्रेजेंट डे ईरान के एक बड़े इलाके में सफाविड डायनेस्टी का राज था। अब सफाविड डायनेस्टी अपने रीजनल पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट थे। ऐसा बोला जाता है कि जो सफाविद्स थे वो कुछ ऐसे संतों के ऑर्डर से निकले थे जिनकी एंसेस्ट्री वॉज रिलेटेड टू प्रॉफिट साहब। ठीक है भाई, अब देखिए इस्लाम धर्म में हर चीज का उदय आप देखो तो प्रॉफिट मोहम्मद जी से ही हो रहा है, लेकिन उसके बहुत अलग अलग मैनिफेस्टेशंस हैं। ओके, और उन मैनिफेस्टेशंस को अलग अलग सेक्ट्स में अलग प्रकार से दिखाया गया है, जिसके चलते इस्लाम्स में बहुत सारे डिस्प्यूट भी चलते, शिया सुन्नी का विवाद भी काफी हद तक इसके साथ रिलेटेड है। तो आप देखोगे कि ये जो सफाविद डायनेस्टी के मुस्लिम्स थे ये शिया सेक्ट को, शीट सेक्ट को सपोर्ट करते थे, और जो लोग भी शीट टेनेट्स को नहीं मानेंगे उसको ये सपोर्ट नहीं करेंगे। तो भाई यहाँ पे सफाविद शिया सेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, वहीं पे जो उज़्बेक्स हैं वो सुन्नी सेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। सुन्नी सेक्ट अलग, शिया सेक्ट अलग, आज की डेट में भी सुन्नी शिया के बीच की लड़ाई के बारे में आप सबको पता है। तो यहाँ पे उज़्बेक और एक तरफ और सफाविद दूसरी तरफ, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते नजर आएंगे। एक प्रकार की सेक्टेरियन स्ट्राइफ यहाँ पे शुरू हो गई थी शिया सुन्नी के नाम पे। अच्छा एक बात दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। चैनल को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, आपके शेयर बटन दबाने से बहुत मिलती है, और हो सके दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाओ। आपको आइडिया नहीं है इस प्रकार की वीडियोस को बनाने में कितनी मेहनत लगती है। देखिए आपको तो कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिल रहा है ना, अब आपको लगेगा कि यार फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो क्या जाता है, क्यों हम लोग ज्वाइन बटन दबाएं, लेकिन दबा दीजिए, उससे मुझे काफ़ी मदद मिल जाएगी। रीज़न मी कि देखिए इस पर्टिकुलर चीज़ों को मैं बेच नहीं रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, तो आपके ज्वाइन बटन दबाने से मदद मिलती है। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इट अगेन एंड अगेन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो पे लाइक और शेयर करके इसके इंगेजमेंट को बढ़ाइए। जितना ज़्यादा आप इंगेजमेंट बढ़ाओगे उतना ज़्यादा यूट्यूब मेरी वीडियोस को रेकमेंड करेगा। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, इंक्लूडिंग ज्वाइन बटन, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि सेक्टेरियन स्ट्राइफ था, उज़्बेक्स और आपके सफाविद एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। सफाविद शिया सेक्ट को, शीट सेक्ट को सपोर्ट करते थे, उज़्बेक्स सुन्नी सेक्ट को सपोर्ट करते थे। अब बात यहाँ पे ये थी कि ईरान के भी वेस्ट में चले जाएंगे तो ओटोमन टर्क्स भी यहाँ पे ग्रो कर रहे थे। तो धीरे धीरे आप देखो। अच्छा एक और बात, आप बोलोगे सर ये तो पूरा का पूरा टर्की बताया आपने, अफगानिस्तान बताया, काफी हद तक खुरासान, ये सब कुछ था तिमुरिड्स के अंदर। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि तिमुरिड्स डायनेस्टी हमेशा इतनी स्ट्रांग नहीं थी, बीच में काफी टूट भी गई थी वो। ओके, तो यहां पे हम देखेंगे कि टर्की में ओटोमन टर्क्स डोमिनेट हो रहे हैं, सफाविद डायनेस्टी आसपास ईरान में फैली हुई है, और कुछ हद तक यहां पे जो ओटोमन टर्क्स थे वो ईस्टर्न यूरोप पे कब्जा करना चाहते हैं। अभी ईस्टर्न यूरोप जाओगे तो बीच में इराक ईरान पड़ेगा, तो इराक ईरान पे कब्जा करना पड़ेगा, और ईरान पे कौन बैठा है, सफाविद डायनेस्टी बैठी है। तो डेफिनेटली जो सफाविद डायनेस्टी थी और ये टर्क्स थे ये आपस में लड़ाई में आ जाएंगे, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उज़्बेक्स भी यहाँ पे डोमिनेट हो रहे, तो उज़्बेक्स सफाविद्स और ओटोमन टर्क्स ये तीनों ही आपस में एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, और इस प्रकार की लड़ाई उनको 16वीं शताब्दी में देखने को मिलती। अब यहाँ पे जो ट्रांस ऑक्सोनिया नाम का मैंने आपको रीजन बताया, यहाँ पे जगह थी फरगाना। फरगाना में 12 साल की उम्र पे 1494 एडी में बाबर गद्दी पर बैठा। फरगाना कोई बहुत बड़ी प्रिंसिपैलिटी नहीं थी, ट्रांस ऑक्सियाना में एक छोटा सा स्टेट कह सकते हो उसको, और ट्रांस ऑक्सियाना में उज़्बेक्स भी यहाँ पे अटैक करके कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। अब खास बात ये थी कि जो तिमुरिद, अच्छा एक बात और बता दूं, बाबर वॉज अ तिमुरिद प्रिंसेस। मैंने आपको बताया कि तिमुरिद जो भी इलाके थे वहां पे बहुत ज्यादा पार्टीशन हुआ है,
तो उस पार्टीशन के चलते एक क्लेम यहां पे बाबर का भी था, कहां पे, फरगाना के इस छोटे से स्टेट में। तो अब तिमुरिड डायनेस्टी बहुत हद तक टूट चुकी थी, इनके इंडिविजुअल राजा रजवाड़े बन चुके थे, इनमें से एक राजा बना बाबर 12 साल की उम्र पे ट्रांसऑक्सियाना के अंदर। अब प्रॉब्लम ये थी इन तिमुरिड प्रिंसेस की कि ये आपस में एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ते ही रहते थे, इनकी बन नहीं पाती थी आपस में, लगातार लड़ाई होती रहती थी। तो यहां पे बाबर भी इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं थे। बाबर फरगाना के पास जो समरकंद नाम की जगह थी उज़्बेकिस्तान में, इसके ऊपर कब्जा करना चाहते थे, ठीक है। अच्छा, आज की डेट में फरगाना कौन से देश में आता है, वो भी उज़्बेकिस्तान में आता है। समरकंद कहाँ था, वो भी उज़्बेकिस्तान में आता है। तो फरगाना से चलती है कौन, बाबर समरकंद पे कब्जा करने के लिए। समरकंद पे कौन राज कर रहा था, बाबर के अंकल। तो दो बार यहाँ पे बाबर सक्सेसफुल रहा समरकंद पे कब्जा करने में, लेकिन वो कब्जा लगातार नहीं रख पाया यहाँ पे, ठीक है। बार बार जो अंकल था वो ओवरऑल समरकंद का कब्जा बाबर से वापस ले लेता था। जब दूसरी बार यहाँ पे अटैक किया ना बाबर ने समरकंद के ऊपर, तब एक उज़्बेक चीफ शैबानी खान को यहाँ पे बुलाया जाएगा और शैबानी खान को बोली जाएगी कि भाई इस बाबर को आप करो एलिमिनेट। ये जो रिसेंटली बाबर वाली शो सीरीज आई उसमें शैबानी खान को दिखाया गया। अब यहाँ पे शैबानी खान और बाबर की कॉन्फ्लिक्ट होना था, लेकिन शैबानी खान बहुत कनिंग आदमी था, उसने बाबर को हरा दिया, समरकंद उज़्बेकिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर लिया और बहुत सारे जो तिमुरिड किंगडम्स थे छोटे छोटे आपके ट्रांसऑक्सियाना के अंदर, उसके ऊपर भी शैबानी खान ने यहाँ पे कब्जा कर लिया। मतलब इस समय पे शैबानी खान बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा था और बाबर की ताकत बहुत कमजोर पड़ चुकी थी। तो जब बाबर फरगाना में हारा और समरकंद तो वैसे वो पूरा नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, तो उसको भागना पड़ गया काबुल की तरफ। काबुल पे कब्जा करके बाबर बैठ गया 1504 AD में वहां पे। अब जब यहाँ पे शैबानी खान को बाबर के अगेंस्ट बुलाया गया, तो ये जो उज़्बेक रूलर था शैबानी खान, इसने बाबर जो कि तिमुरिद था उसको यहाँ पे हरा दिया और ओवरऑल फरगाना के ऊपर कब्जा कर लिया शैबानी खान में। बाद में समरकंद के ऊपर भी कब्जा हो गया। इनफैक्ट फरगाना पे ऊपर आपका बाबर का राज था, बाबर ने समरकंद के ऊपर कब्जा किया, दो बार समरकंद के ऊपर अटैक किया, लेकिन बाबर को यहां से पीछे ढकेला किसने, शैबानी खान ने। शैबानी खान काबुल गया, सॉरी बाबर काबुल गया और काबुल के ऊपर कब्जा जमा के बैठ गया बाबर। अब अगले 14 साल तक सोचिए, 14 साल तक बाबर यहां पे कोशिश करता रहेगा कि फरगाना और समरकंद इनको वापस जीत ले उज़्बेक से, लेकिन देखिए ये बहुत मुश्किल होगा। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग लोगों से बाबर ने मदद लेने की भी कोशिश की। बाबर के एक अंकल थे, वो हेरात अफगानिस्तान में रूलर थे, उससे मदद मांगी, उसने मदद नहीं की, उसने कहा भैया मैं नहीं लड़ रहा उज़्बेक के अगेंस्ट। बाद में आप देखोगे कि शैबानी खान ने हेरात अफगानिस्तान के ऊपर भी कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जब हेरात अफगानिस्तान के ऊपर शैबानी खान का कब्जा हुआ, तो यहाँ पे शैबानी खान सफाविद डायनेस्टी के अगेंस्ट आ जाएगा। सफाविद डायनेस्टी ईरान में थी और इस ईरान वाली सफाविद डायनेस्टी को हेरत में बहुत इंटरेस्ट था। तो अब सफाविद डायनेस्टी और ये जो शैबानी खान जो कि उज़्बेक था, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट लड़ाई के चांसेस बनेंगे। सफाविद बोलते थे हेरत हमारा, हेरत को कब्जा लिया उज़्बेक लीडर शैबानी खान में, तो दोनों में यहां पे लड़ाई होने वाली थी, ओके। और ये लड़ाई कुछ हद तक खुरासन के इलाके के लिए भी थी। अब आप बोलोगे कि भैया खुरासन के इलाके में सर क्या क्या आता है, तो खुरासन के इलाके में आपको दिख रहा है कुछ ईरान का इलाका, कुछ अफगानिस्तान का इलाका, कुछ और सेंट्रल स्टेट्स यहाँ पे खुरासन के इलाके में आ रहे हैं, ओके। 1510 में यहाँ पे एक युद्ध होगा मर्व के पास, जहां पे ये जो शाह इस्माइल था जो कि सफाविद डायनेस्टी का था, वो शाह था ईरान का, इसने शैबानी खान को हरा दिया और शैबानी खान की यहाँ पे हो जाएगी मौत। तो शैबानी खान की यहाँ पे कहानी खत्म होगी 1510 AD में, जब मर्व के पास शाह इस्माइल जो कि सफाविद डायनेस्टी के रूलर था, ईरान का राजा था, उसने शैबानी खान को हराया और खत्म कर दिया। अब देखिए शैबानी खान खत्म हो गया है, बट उज़्बेक लीडर्स खत्म नहीं हुए, ठीक है ना। उज़्बेक लीडर्स अभी भी बैठे हैं ट्रांसऑक्सियाना के एक बहुत बड़े इलाके में, अभी भी उज़्बेक लीडर्स का कब्जा है। समरकंद फरगाना में अभी भी उज़्बेक लीडर्स का कब्जा है। तो बाबर को लगेगा कि अच्छा हुआ है शैबानी खान मर गया, इसने मुझे हराया था, अब मैं एक प्लान बनाता हूं, मैं फिर से समरकंद फरगाना को अटैक करूंगा। देखिए बाबर की जो लाइफ है ना, उसकी सबसे खास बात यही है। एक्चुअली में बाबर से बहुत कुछ सीखने लायक है। क्या सीखने लायक है? एक इंसान अपनी जिंदगी में हारे ही जा रहा है, हारे ही जा रहा है, हारे ही जा रहा है, लेकिन तब भी वो कोशिश किए ही जा रहा है, किए ही जा रहा है। और जब आप कोशिश करते हो, आप मेहनत करते हो, अपने आप में इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हो, आपको विक्ट्री मिलती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हारते ही जाओगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होगे। अगर आप मेहनत करोगे तो इंसान को दिखेगा, भगवान को दिखेगा, ऊपर वाले को दिखेगा, और शायद बाबर में यही दिख गया भगवान को। बाबर गदर हारा है भाई, 12 साल की उम्र में खदेड़े गए,
फरगाना तो गए ही गया, समरकंद चला गया, काबुल में कब्जा करके बैठे। अच्छा, काबुल में जब कब्जा करके बैठे तो वहां पे बहुत स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी। किन के पास? बाबर के पास, क्योंकि बहुत बड़ा इलाका इनके कंट्रोल में नहीं था, इनका खर्चे चलाने भर के भी पैसे नहीं निकल रहे थे, अभी आगे बात होगी। तो इसीलिए अपने ऊपर से बाबर के अंदर ये था कि भाई मैं कम से कम अपना जो होमलैंड है फरगाना समरकंद इसको तो पालू। अपना होमलैंड पाने की जो चाह थी ना बाबर के अंदर वो बहुत ज्यादा थी। अब जब यहाँ पे सफावी डायनेस्टी के इस्माइल शाह ने हरा दिया शेबानी खान को, तो यहाँ पे जो ईरान के रूलर्स थे इनके साथ थोड़ी मांडवली टाइप की यहाँ पे बाबर ने, और बाबर ने सोचा कि चलो समरकंद फिर से कब्जा कर लेते। कुछ हद तक समरकंद के गद्दी पर बाबर बैठ गया ईरानियन फोर्सेस की मदद से। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि चूंकि बाबर की मदद की थी यहाँ पे इस्माइल शाह ने उज़्बेक ये सफाविड लूडर्स ने समरकंद की गद्दी पर बैठने में, तो अब इन सफावी रूलर्स को, ईरानी रूलर्स को लग रहा था कि अब हम बाबर को बस एक पॉन की तरह इस्तेमाल करेंगे, ओवरऑल अपने एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करेंगे, और ये जो समरकंद की प्रोविंस है ये एक ईरानियन प्रोविंस होगी। लेकिन बाबर क्या थे? बाबर सोच रहे थे मैं तो इंडिपेंडेंट प्रिंस हूँ, इस पर्टिकुलर इलाके में तो मेरा क्लेम है, यहाँ पे पहले मैं राजा हुआ करता था, तो अब अगर मैं यहाँ पे गद्दी में बैठूंगा तो मैं सोवरेन कैपेसिटी में बैठूंगा। और सोवरेन कैपेसिटी आपको कैसे मिलेगी? समरकंद की गद्दी पर आपको उज़्बेक के खिलाफ लड़के बैठा रहा है सफावेद किंग, ईरान का राजा, ईरान का शाह बैठा रहा है। तो ईरान का शाह बैठेगा कि जब तुमको गद्दी पर बैठाने के लिए मेरी आर्मी ने लड़ाई की है तो भाई तुम मेरे बिहाफ पे रूल कर रहे हो, तो तुम्हारा जो समरकंद है वो मेरा ही प्रोविंस है। लेकिन ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पे बाबर को ये बात पसंद नहीं आएगी। अब इस कंटेक्स्ट में उज़्बेकिस्तान के जो लीडर्स थे, जो उज़्बेक थे, ये भी चुप नहीं बैठने वाले थे। उज़्बेकिस्तान निकल रहा है, उज़्बेक कह सकते हो आप। तो यहाँ पे इन्होंने फिर से लड़ाई की। फिर से आप देखोगे कि बाबर जब समरकंद की गद्दी पर बैठा था, उज़्बेकों ने अटैक किया और फिर से बाबर को समरकंद से भगा दिया। मतलब कि अपने ही इलाके से कई बार बाबर को यहाँ पे भगाया गया और फिर से बाबर दौड़े दौड़े काबुल पहुंच गए। इस कंटेक्स्ट में हुआ क्या कि बाबर की जो मदद कर रहा था ना सफावी डायनेस्टी का राजा उज़्बेक्स के अगेंस्ट, जिसका नाम था शाह इस्माइल, शाह इस्माइल को ओटोमन सुल्तान ने हरा दिया। तो अब समझिए, ये रहा आपका इंडिया, यहां मान लीजिए बैठा हुआ है आपका बाबर काबुल में, अफगानिस्तान में, ठीक है। थोड़ा इधर आएंगे तो इधर है आपका पर्शिया, ईरान, जहां पे सफाविड रूल था। इसके और वेस्ट में आएंगे तो यहां थे ओटोमन टर्क्स। अब ये ओटोमन टर्क्स सफाविड डायनेस्टी की कैटेगरी में घुस रहे हैं, टेरिटरी में घुस रहे हैं, और जब घुसे तो शाह इस्माइल कुछ समय तक तो लड़ा, ओटोमन टर्क्स से ज्यादा लंबा नहीं लड़ पाया, और खुद यहां पे शाह इस्माइल को ओटोमन सुल्तान ने 1514 एडी में हरा दिया। ओके, तो इसके बाद जो ट्रांस ऑक्सेनिया का इलाका था, फरगाना समरकंद उसके आसपास का इलाका, ये सब उज़्बेकिस्तान के कंट्रोल के अंदर चला गया। क्योंकि उज़्बेक्स को उनकी टेरिटरी से निकालने का जो मेन बीड़ा उठाया था वो सफावी डायनेस्टी के शाह इस्माइल ने उठाया था, और अब सफावी डायनेस्टी शाह इस्माइल के बाद ऑलमोस्ट यहाँ पे आप कह सकते हो खत्म हो गई, तो उतनी ताकतवर नहीं बची थी। तो बाबर को अब यहाँ पे ये समझ में आया कि भाई बहुत हो गया, अब तो नहीं मिलने वाला मुझे मेरा समरकंद और हेरात, सॉरी ये फरगाना। बहुत लंबे समय तक बाबर ने कोशिश की, और बाबर की यही सबसे बड़ी हार मानी जाती कि वो अपने इलाके के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया, अपने इलाके के ऊपर कब्जा नहीं कर पाया, ये बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन यहाँ पे बाबर की किस्मत में शायद कुछ और ही लिखा था। बाबर को यहाँ पे नजर आ रहा था इंडिया। 1504 में जब काबुल के ऊपर कब्जा कर लिया था बाबर ने, तो उस समय पे ही बाबर ने बोला कि भाई मैं हमेशा से हिंदुस्तान के बारे में सोचता हूँ, कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदुस्तान। देखिए उस समय पे भी फेमस था कि भैया हिंदुस्तान में दौलत बहुत है, हिंदुस्तान में सोना बहुत है, इंडिया इज द लैंड ऑफ गोल्ड। और यहाँ पे बाबर को लगा कि जैसे ही मुझे सूटेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं भैया इंडिया के ऊपर अटैक मारूंगा, इसको कब्जा लूंगा। ये पहले से सोच के बैठा था बाबर। लेकिन कई बार क्या हुआ कि बाबर ने प्लान बनाया, लेकिन बाबर के अंदर जो उसके मिलिट्री एडवाइजर्स थे, जो कमांडर्स थे, जिनको कभी कभी बेग भी बोलता था, कभी कभी इन बेगों ने बाबर को मना कर दिया, कभी कभी बाबर के भाइयों ने मना कर दिया, कभी कभी क्या हुआ कि सेंट्रल एशिया में लगातार इन्वेजन्स होते रहते थे, तो बाबर को मौका नहीं मिल पाया इंडिया की तरफ जाने का। लेकिन दिमाग में था बाबर के कि कभी ना कभी इंडिया की तरफ जाऊंगा और इंडिया की जो असीम दौलत है इसके ऊपर मैं अपना कब्जा जमाऊंगा, क्योंकि इंडिया वॉज द लैंड ऑफ गोल्ड एंड रिचेस, ये सब जानते हैं। बाबर को पता था कि इससे पहले जो इसके एंसेस्टर थे तिमूर, वो भी इंडिया में आए थे और इंडिया से भारी सोना ये जीत के लेके गए थे, लूट के लेके गए थे, बहुत सारे स्किल्ड आर्टिसन भी ये लोग लेके गए थे, और उन स्किल्ड आर्टिसन और सोने के बेसिस पे एशियन एम्पायर को कंसोलिडेट किया तिमूर ने। कुछ ऐसा ही प्लान यहाँ पे बाबर का भी था। अच्छा, एक और बात है, जब तिमूर ने अटैक किया था तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो पंजाब का इलाका है इसके कुछ इलाके को कब्जा किया था तिमूर ने, तो बाबर ने बोला कि चूंकि हम तिमूर के
तिमूर हमारे एंसिस्टर्स हैं और हम तिमूर के लीनियज के हैं, तो तिमूर ने जिन पंजाब के इलाकों पे कब्जा किया वो हमारे, ये पंजाब के इलाके प्रेजेंट डे पाकिस्तान में पड़ते हैं, लाहौर सियालकोट इसके आसपास के इलाके। अच्छा एक और बात है यहाँ पे, देखिए बाबर का जो पंजाब परगना के ऊपर अटैक करके कब्जा करने का प्लान था, उसका एक और स्ट्रेटजिक मोटिव भी था। यहाँ पे बाबर ने बोला कि भाई पहले तिमूर आया था, तिमूर हमारा एंसिस्टर था, उसने पंजाब के इलाकों पे कब्जा किया, तो ये पंजाब के इलाके हमारे हैं। लेकिन पंजाब के इलाके के ऊपर कब्जा बाबर के लिए जरूरी था, क्योंकि बाबर राज कर रहा था बदख्शन प्रोविंस के ऊपर, कंधार के ऊपर और काबुल के ऊपर, और इन इलाकों से जो भी रेवेन्यू बाबर के पास आ रहा था वो इनफ नहीं था एक बहुत बड़ी आर्मी को मेंटेन करने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जरूरत किस बात की है? जरूरत है भाई सफिशिएंट इनकम की, पैसे की, और ये पैसे यहाँ पे थे नहीं बाबर के पास। तो बाबर ने क्या किया, बाबर ने बोला कि भाई आसपास के इलाके पे कब्जा करो, और अगर पंजाब वाले इलाके पे कब्जा कर पा रहे हो तो भाई उससे काफी अच्छा खासा पैसा आने लगेगा, आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी पैसे खर्चे की जरूरत है वो सब चीजें हो जाएंगी। ओके, तो बाबर को अपने बैग्स को, किंग्समैन को, अपने मिलिट्री जनरल्स को पैसा देना था। ओके, अच्छा एक और बात थी, बाबर को यह भी पता था कि भाई उज़्बेक का कभी भी अटैक हो सकता है। तो समझिए यह है इंडिया, यहाँ है पाकिस्तान, ऊपर है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में बैठा है बाबर, अभी बाबर के ऊपर कभी भी उज़्बेक्स का अटैक हो सकता है फ्रॉम द नॉर्थ, तो बाबर यहाँ डरा बैठा है। तो बाबर को लगा कि इंडिया में घुस जाऊँ, और उस समय पे पाकिस्तान को अब इंडिया ही बोल सकते हो। एक्चुअली में पाकिस्तान का सियालकोट जो मैंने बताया लाहौर वाला इलाका है, यही पंजाब था, और इसी इलाके के ऊपर कब्जा करने का मूड में था बाबर। बाबर को लगा कि थोड़ा इधर प्रेजेंट डे पाकिस्तान में घुस जाऊंगा, पंजाब पे कब्जा कर लूंगा, तो ओवरऑल उज़्बेक्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए अपनी आर्मी को फाइनेंस कर पाऊंगा, मेरे पास रिसोर्सेज वगैरह आ जाएंगे, ओवरऑल उज़्बेक्स के लिए हमारे ऊपर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सोच के पंजाब वाला जो इलाका है इसकी तरफ यहाँ पे बाबर ने घुसना शुरू किया, और जब बाबर यहाँ पे घुसा तो सिचुएशन थोड़ा बहुत बाबर के फेवर में थी, क्योंकि ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट था उसमें 1517 एडी में सिकंदर लोदी की मौत हो चुकी थी, और उसके बाद गद्दी पर बैठा था इब्राहिम लोदी। अब इब्राहिम लोदी कोशिश कर रहा था एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बनाने की, लेकिन उस समय तक काफी हद तक चीजें इब्राहिम लोदी के हाथ से निकल चुकी थी। मैं आपको बता भी चुका था कि दिल्ली सल्तनत की जो बाउंड्रीज थी वो इब्राहिम लोदी के समक्ष तक काफी सिकुड़ भी चुकी थी। कुछ हद तक इब्राहिम लोदी ने चीजों को कंसोलिडेट करने की कोशिश की, बट उस हद तक वो कर नहीं पाया, क्योंकि इब्राहिम लोदी के अंदर काम करने वाले जो अफगान चीफ्स थे वही इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट खड़े हो गए, राजपूत ओवरऑल इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट थे। यहाँ पे इब्राहिम लोदी का एक अफगान चीफ था जिसका नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था और पंजाब को ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट रूलर की तरह वो रूल करता था। तो अब समझिए अगर बाबर अटैक करेगा तो सबसे पहले कहाँ अटैक कर रहा है, पंजाब में अटैक कर रहा है, और पंजाब में कौन बैठा है, दौलत खान लोदी। वैसे तो दौलत खान लोदी इब्राहिम लोदी को रिपोर्ट करता था, बट एक्चुअली में ऑन ग्राउंड फंक्शनिंग पंजाब पे ऑटोनॉमस रूलर वही था। तो सबसे पहले अगर मुसीबत किसी के सर पे आएगी तो वो दौलत खान लोदी के सर पे होगी, ठीक है भाई। तो बात यहां पे ये थी कि अच्छा दौलत खान लोदी और इब्राहिम लोदी का आपस में चल रहा था, इब्राहिम लोदी हमेशा दौलत खान लोदी सवाल पूछता रहता था, दौलत खान लोदी उसको इग्नोर करता रहता था, कुछ थोड़ा बहुत इब्राहिम लोदी को पटाक रखने के लिए दौलत खान लोदी ने अपना बेटा बेच दिया होमेज पे करने के लिए। अच्छा समझिए दौलत खान लोदी को अपने वेस्टर्न फ्रंटियर्स लॉक करने थे। देखिए यहाँ पे आप कह लीजिए कि पंजाब का जो पाकिस्तान वाला ये जो प्रोविंस है यहाँ पे बैठा है आपका दौलत खान लोदी, इसके जो बॉर्डर इलाके हैं जिनको बोला गया भीरा, BHIRA, ये जो भीरा नाम की जगह थी इसको सिक्योर करना बहुत जरूरी था। दौलत खान लोदी को भी ये पता था कि भाई बाबर का अटैक आ सकता है, तो ये जो भीरा वगैरह वाले इलाके हैं इनके ऊपर अगर हम कब्जा कर लें तो ओवरऑल हम अपने डोमिनियंस को डिफेंड कर सकते हैं, ऐसा सोचा यहाँ पे दौलत खान लोदी ने। बट प्रॉब्लम यह है कि 1518 से लेकर 1519 एडी में बाबर ने भीरा फोर्ट को ही कब्जा लिया। अब ये एक बड़ा सेटबैक था दौलत खान लोदी के लिए, क्योंकि दौलत खान लोदी को पता था कि भीरा के ऊपर कब्जा रहता है हमारा तो ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगा बाबर। लेकिन बाबर ने 1518-1519 एडी में भीरा के फोर्ट को कब्जा लिया। उसके बाद बाबर ने चिट्ठियां लिखी, वर्बल मैसेजेस भेजे दौलत खान लोदी को, इब्राहिम लोदी को, और इनसे बोला कि जो पंजाब के इलाके हैं जो कि पहले तिमूर कब्जा के गया था ये इलाके हमको वापस कर दो। और जब ये चिट्ठी लेके दौलत खान लोदी के डोमेन से इब्राहिम लोदी के पास जा रहा था, किसका मैसेंजर, आपका बाबर का मैसेंजर, तो उसको इब्राहिम लोदी तक जाने नहीं दिया दौलत खान लोदी ने।
दौलत खान लोधी को शायद ये लग गया था कि हो सकता है इब्राहिम लोधी डर के मारे पंजाब का थोड़ा बहुत इलाका बाबर को दे दे तो मेरा इलाका चला जाएगा, इसलिए बाबर का जो मैसेंजर था उसको दौलत खान लोधी ने लाहौर में पकड़ के रख लिया, उसको इब्राहिम लोधी तक जाने ही नहीं दिया यहाँ पे। और एक और खास बात थी कि लाहौर में जब ये बाबर के जो एम्बेसी था, जो रिप्रेजेंटेटिव था बाबर का, उसको इब्राहिम लोधी तक नहीं जाने दिया, दौलत खान लोधी उससे खुद नहीं मिला, मतलब जबरदस्ती उसको पकड़ के अपने पास रख लिया। यहाँ पे इंटेंशंस बाबर के दौलत खान लोधी समझ चुका था। अब बाबर को किसी वजह से थोड़ा पीछे की तरफ भी यहाँ पे खिसकना पड़ा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, व्हेन बाबर रिटर्न टू काबुल दौलत खान ऑक्युपाइड भीरा। तो काबुल से लेके ये जो प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की पंजाब प्रोविंस है, इनके बीच में जो जगह थी भीरा, इस भीरा के ऊपर पहले कब्जा कर लिया था बाबर ने, लेकिन बाबर को किसी वजह से ये भीरा का फोर्ट छोड़ के वापस काबुल जाना पड़ा। जब वो वापस काबुल गया तो दौलत खान लोधी ने फिर से अटैक करके भीरा के ऊपर कब्जा कर लिया, और जो बाबर के एजेंट्स पोस्टेड थे भीरा में उनको आउस्ट कर दिया, उनको हटा दिया। 1520-21 में बाबर ने फिर से इंदस नदी को क्रॉस किया और भीरा और सियालकोट नाम के जो ट्विन टाउन्स थे जिससे रास्ता जाता था हमारे हिंदुस्तान का, उसको फिर से यहाँ पे कब्जा लिया। किसने? बाबर ने। तो बाबर को अब यहाँ पे थोड़ी बहुत विक्ट्री देखने को मिल रही थी। जिस प्रकार से समरकंद और फरगाना में बाबर लगातार हारता हुआ आ रहा था, यहाँ पे बाबर को विक्ट्री देखने को मिल रही थी। तो बाबर इंदस क्रॉस करेगा और ओवरऑल भीरा सियालकोट को कब्जा लेगा। लाहौर भी यहाँ पे बाबर के न्यूज के अंदर आ जाएगा। ओके, अब लाहौर के आगे चलता अगर आपका बाबर तो पहुंचता राजस्थान में, लेकिन यहाँ पे बाबर को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि कांदाहार नाम की जो प्रोविंस थी अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे एक रेबेलियन हो गया था और ओवरऑल बाबर की लीडरशिप मांग नहीं रहे थे। तो अब रेबेलियन को सप्रेस करना है तो अब आगे एक्सपेंशन क्या करोगे? पहले तो जो तुम्हारे खुद के एम्पायर से वहां पे कंसोलिडेशन करो। तो कांदाहार के रेबेलियन को रोकने के लिए अभी इस समय के लिए थोड़ी जो बाबर की मार्च थी इंडिया की तरफ वो रुक जाएगी। ओके, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स थोड़ी बदल रही थी। दौलत खान लोधी की बन नहीं रही थी इब्राहिम लोधी से। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम राणा सांगा इनकी भी नहीं बन रही थी इब्राहिम लोधी से। इब्राहिम लोधी के साथ प्रॉब्लम थी। देखिए राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के क्या इश्यूज हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आपको। मेरी इससे पहले की सतीश चंद्रा की वीडियोज अगर रेगुलरली देखते हो आ रहे तो मैंने बताया था कि किस प्रकार की जो मेवात और ईस्टर्न राजस्थान के आसपास का इलाका था, यहाँ पे बहुत मेजर पावर बन के आए थे राणा सांगा। और राणा सांगा के लिए एक बड़ी मुसीबत थी इब्राहिम लोधी। तो राणा सांगा को समझ में आया कि यार इब्राहिम लोधी को हटाना तो कोई ना कोई प्लेयर चाहिए, तो उनको देखा बाबर। तो यहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा का भी एक मैसेंजर बाबर के पास आया था जो कि बाबर को इंडिया के अंदर इनवाइट कर रहा था टू डिफीट इब्राहिम लोधी। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इब्राहिम लोधी का जो अंकल था दौलत खान लोधी, इसने अपने बेटे दिलावर खान को बोला और क्या बोला कि भाई बाबर से बोला आगे अटैक करो और ये इब्राहिम लोधी को हटाओ, हम लोग इब्राहिम लोधी को मानते नहीं। आप समझिए इब्राहिम लोधी का चचा खुद इब्राहिम लोधी के अगेंस्ट षड्यंत्र कर रहा है बाबर के साथ। उसको क्या लग रहा है कि बाबर उसको गद्दी पर बैठाएगा? अरे बेवकूफ को ये नहीं पता कि बाबर खुद गद्दी के ऊपर बैठने आ रहा है। अब समझिए ये जो दौलत खान लोधी था, ये अंकल था इब्राहिम लोधी का, इसको लगा कि बाबर को बुलाएंगे, बाबर आएगा इब्राहिम लोधी को हराएगा और दिल्ली की गद्दी पर बैठा देगा। किसको? दौलत खान लोधी को। दौलत खान लोधी को इतना नहीं पता है कि ये जो बाबर है वो हर जगह से हार के आ रहा है, तो उसको खुद ही गद्दी की जरूरत है। तो उसको खुद गद्दी की जरूरत है तो ऑब्वियस बात है वो कहाँ बैठेगा? इंडिया में जमेगा। शुरुआत में राणा सांगा को भी शायद ऐसा लगा होगा कि भाई ये जो आपका बाबर है ये आएगा, लूटपाट मचाएगा, वापस चला जाएगा, या फिर लगा होगा कि भाई अपने इलाके तक रुकेगा। लेकिन भैया बाबर तो आके जम गए यहाँ पे। बाबर की बड़ी खास बात थी, बाबर ने इंडिया को अपना देश समझा। अब बाबर के पास फरगाना समरकंद तो देखो बचा नहीं था, उज़्बेक से लड़ने की ताकत थी नहीं बाबर के पास। तो बाबर को लगा कि भाई कोई अपनी परमानेंट जगह चाहिए जहाँ पे हम कल्चर रिप्रोचमेंट करके रह सकें, और वो जगह यहाँ पे कहाँ पे मिल गई बाबर को? इंडिया के अंदर। अच्छा, दौलत खान लोधी ना इधर उधर टहलते रहते थे। दौलत खान लोधी पहले इब्राहिम लोधी की साइड थे, फिर एकदम से बाबर की साइड आ गए। बाद में पता चला कि दौलत खान लोधी फिर से भाई किसकी तरफ चले गए? इब्राहिम लोधी की तरफ चले गए। फिर दौलत खान लोधी की 30,000 से 40,000 की आदमियों की टुकड़ी ने बाबर के आदमियों के साथ सियालकोट में लड़ाई की, लाहौर के पास लड़ाई की। यहाँ पे बाबर की आर्मी ने दौलत खान लोधी की आर्मी को हरा दिया। हालांकि बाबर ने फिर दौलत खान लोधी को मारा नहीं, उसको माफ़ कर दिया। और यहाँ पे पंजाब का मास्टर बन जाएगा बाबर। लेकिन पंजाब के मास्टर से काम नहीं बनेगा। भले ही इब्राहिम लोधी को यहाँ पे हटा दिया हो और बाबर यहाँ पे गद्दी पर बैठ गया, एक्चुअली पंजाब की गद्दी पर बैठ गया टू बी वेरी प्रिसाइज। क्या राणा सांगा को ये बात पसंद आएगी?
राणा सांगा जी को लगा कि बाबर आएगा, हराएगा, वापस चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा लूटपाट करेगा। राणा सांगा जी को यह आइडिया नहीं था कि भाई दिल्ली सल्तनत को हटा के यहाँ खुद गद्दी पर बैठने आ जाएगा बाबर। और ऐसे ही तो मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हुई इंडिया के अंदर। तो अब अगले वीडियो में हम लोग बैटल ऑफ पानीपत की बात करेंगे, जहां पे देखेंगे कि भैया क्या बवाल था इसका, इब्राहिम लोदी का और बाबर का, कैसे यहाँ पे बाबर इब्राहिम लोदी को हरा पाएगा। इस पूरी कहानी को अगले वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं अगली वीडियो में आपको बैटल ऑफ खानवा भी पढ़ा दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे सीखने को मिला हो सके तो प्लीज़ क्लिक द ज्वाइन बटन, इट इज़ डेफिनेटली वेरी हेल्पफुल। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, हर चीज़ का लिंक नीचे दे रखा है।